तो दोस्तों अभी एक दो दिन पहले ही मैंने कम्युनिटी पे एक पोल रखा था कि आपको एकदम तबाही वाले ऐप्स यानी कि घातक ऐप्स के ऊपर एक वीडियो चाहिए या फिर नहीं, तो आप में से बहुत से लोगों ने हाँ वोट किया था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कोई भी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं और मैं नहीं बनाऊं। तो फाइनली आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 घातक ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनमें से कुछ एक दो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे और ऐसे भी कुछ एप्लीकेशन है जिनका प्ले स्टोर से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप इन एप्लीकेशन को यूज करके कोई भी गलत काम मत कीजिएगा या फिर किसी को डिस्टर्ब करना, तंग करना, ये सब चीजें आप करने को अवॉइड कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको इन एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज देने के लिए है, इसका आप गलत फायदे मत उठाइएगा। अगर आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग भी इस एप्लीकेशन से अवेयर हो सके। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस लिस्ट में जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम है बम्बिटअप। इस एप्लीकेशन को यूज करके आप मल्टीपल कंट्रीज के किसी भी फोन नंबर पे बल्क में स्पैम मैसेजेस को भेज सकते हो बिना आपके आइडेंटिटी बताए। और सिर्फ मैसेजेस ही नहीं, आप व्हाट्सएप पे भी बल्क में मैसेजेस सेंड कर सकते हो, ईमेल पे भी, ये सारी चीजें कर सकते हो। उसके साथ ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाता है इसके अंदर। इसमें आपको लाइट और डार्क थीम की ऑप्शन मिल जाती है और यहाँ पे अगर आप चाहो कि आपके साथ कोई भी ये चीज ना करे तो आप अपने आपको इसके प्रोटेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आप जिस नंबर पे मैसेजेस बल्क में भेजना चाहते हो वो जिस कंट्री का नंबर है आपको पहले कंट्री चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसी फोन के नंबर के साथ ट्राई करके आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ। तो कंट्री चूज करने के बाद आपको यहाँ पे फोन नंबर को लिख देना है और अगर आप चाहो तो कॉन्टेक्ट लिस्ट से भी या कहते हैं आपके फोन बुक से भी डायरेक्टली नंबर को इम्पोर्ट कर सकते हो। देन आपको मैसेजेस का अमाउंट चूज करना है। इनका सिस्टम ऐसा है कि आप एक बार में मैसेजेस सेंड नहीं करवा सकते हो, यानी कि 24 घंटे में कोई भी एक नंबर पे 5 बार से ज्यादा आप ये चीज कर नहीं सकते हो, यानी कि 24 आवर्स में आप एक नंबर पे 5 बार ही एसएमएस ब्लास्ट कर सकते हो। वो पांचों बार आप 150 मैसेजेस भेजो, 10 भेजो, कोई भी लिमिट नहीं है, जितने भी भेजो आप बस 5 बार ही भेज सकते हो। और यहाँ पे आप डिले सेट कर सकते हो कि कितने डिले पर यानी कि कितने टाइम इंटरवल पर एक के बाद एक मैसेजेस सेंड होने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को सेटअप करने के बाद आपको बम्बिट पे टैप करना है और उस नंबर पे मैसेजेस जाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यही वाला नंबर ही चूज किया था। तो फ्लिपकार्ट से लेके लेंसकार्ट ऐसे मतलब बहुत सी वेबसाइट से ओटीपी वगैरह रिसेट करने की जो स्पैम मैसेजेस है उनका आना शुरू हो गई है। मैंने जितना मैसेजेस दिया था ये जब तक उतनी मैसेजेस सेंड नहीं करता है तब तक ये बंद नहीं होने वाला है। और अगर आप चाहो इस पीजी से स्टॉप करने को तो नोटिफिकेशन पैनल से कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन और ये जो एप्लीकेशन है ये एकदम बीस्ट वाला एप्लीकेशन है, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लिस्ट में जो सेकंड ऐप है उसे यूज करके आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक कर सकते हो, उन्हें आप अपना कोई भी फेक लोकेशन सेंड करके, यानी कि जो एप्लीकेशन है इसे यूज करके आप किसी को भी अपना फेक लोकेशन दिखा सकते हो। जैसे कि आप इंडिया में होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या सब डिफरेंट कंट्रीज का भी लोकेशन दिखा सकते हो, आप जहां का चाहो वहां का लोकेशन यहां पे डाल सकते हो। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है अपने फोन के और वहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी मॉक लोकेशन की। सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप के अंदर आपको इस एप्लीकेशन का नाम मिल जाएगा फेक जीपीएस लोकेशन, तो आपको इसे सिलेक्ट कर देना है। देन आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करके आपका जो लोकेशन है उसे चूज करने के बाद यहाँ पे नीचे जो आपको एक चेक मार्क दिखेगा उस पर आपको टैप करना है। देन एक मिनट के अंदर अगर आप गूगल मैप खोलते हो या फिर कोई भी मैप वाली एप्लीकेशन या फिर कोई भी वेबसाइट भी अगर विजिट करते हो तो हर जगह पे आपको अपने चूजन लोकेशन ही देखने को मिलेगी। इससे आप व्हाट्सएप पे भी अपना लोकेशन शेयर कर सकते हो या फिर अगर कोई भी पर्टिकुलर रीजन वाली वेबसाइट वगैरह को आप ओपन करना चाहते हो या फिर कोई कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो। सो अगेन मैं आपको ये चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि इन ऐप्स को यूज करके आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक वगैरह करने की पर्पजेस के लिए यूज करना, किसी को डिस्टर्ब या फिर तंग करने के लिए प्लीज आप इन्हें यूज मत कीजिएगा। तो लिस्ट में जो थर्ड एप्लीकेशन है, जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपको इसे इसकी रिक्वायर्ड परमिशंस को एनेबल कर देना है और एक्सेसिबिलिटी का परमिशन भी और जॉब और अदर ऐप्स का परमिशन भी मांग सकता है। हाँ, जॉब और अदर ऐप्स की तो जरूर मांगेगा क्योंकि इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने स्क्रीन के ऊपर एक लाइव बॉल दिखेगा, तो फिर उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। देन आप अपने गेस्टर के साथ जो भी एक्टिविटी लॉन्च करना चाहते हो उसे चूज कर सकते हो। मैं भी एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे व्हाट्सएप चूज करके दिखाने वाला हूँ।
तो आपको सिंपली एप्लीकेशन लिस्ट में से व्हाट्सएप को चूज करना है। देन आपको कुछ इस टाइप की इंटरफेस नजर आएगी। यहाँ पे आप जिस गेस्चर के साथ व्हाट्सएप लॉन्च करना चाहते हो उसे ड्रॉ कर सकते हो। तीन बार आपको यहाँ पे गेस्चर ड्रॉ करना है और नेक्स्ट बटन पे टैप करते हुए आप अपने गेस्चर्स को रजिस्टर कर सकते हो। और जैसे कि आप देख सकते हो इस बॉल को टैप करने के बाद अगर मैं यहाँ पे W ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मैंने वहाँ पे रजिस्टर किया था व्हाट्सएप के साथ, तो मेरा व्हाट्सएप एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो जा रहा है। तो सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, आप बाकी के बहुत सारे एप्लीकेशन को, अपने कॉन्टेक्ट्स को कॉल करने के लिए, कैमरा वगैरह ओपन करने के लिए, से बहुत सी चीजों के लिए आप इसे यूज में ले सकते हो। आप यहाँ पे मल्टीपल गेस्टर्स को काम में ले सकते हो। जैसे कि अभी मैंने कैलकुलेटर के साथ ये सी वाला गेस्टर असाइन कर रहा हूँ, और जब भी मैं यहाँ पे सी ड्रॉ करूंगा तो कैलकुलेटर का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो अभी फटाक से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। तो ये जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये भी काफी यूजफुल है आपके लिए। तो इसका नाम है फ्लास्क की लॉगर। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना पिन सेट करना है, और जब आप अपने पिन यहाँ पे सेट कर दोगे जो कि 4 डिजिट का होने वाला है, यहाँ पे आपको इसे एक्सेसिबिलिटी की परमिशन इनेबल कर देना है। और आप अगर चाहो तो इसका इंटरनल कीबोर्ड यूज कर सकते हो, या फिर और कोई भी करंट कीबोर्ड आप जिसे यूज करते हो उसके साथ भी इसे यूज कर सकते हो। तो ये आप करता क्या है कि अगर आपने किसी भी फ्रेंड वगैरह को ये अपना फोन दिया है, कुछ टाइम के लिए हैंड ओवर किया है, और उसके बाद वो क्या टाइप करता है, कौन कौन सी एप्लीकेशन के अंदर, ये सारी चीजें आप यहाँ से जान सकेंगे। यहाँ पे शायद आपके सेशन नहीं दिखाता है, बट कौन से आपके अंदर क्या कुछ टाइप हुआ है, ये सारी चीजें आप यहाँ से जान सकते हो। अगर कोई भी आपका फोन लेके व्हाट्सएप पे किसी को अनाप शनाप मैसेज भी लिख देता है और फिर उसे डिलीट फॉर मी भी कर देता है, तब भी आपके पास ये चांस रहेगा कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर आके चेक कर सकते हो कि आपकी कीबोर्ड के थ्रू कौन से एप्लीकेशन के अंदर क्या कुछ आपने टाइप किया है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको जब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप इसे एक्सेसिबिलिटी का परमिशन डिसेबल कर दीजिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये डाटा चुरा के बेच दे एडवर्टाइजर्स को आपको रेलिवेंट एडवर्टाइजमेंट्स दिखाने के चक्कर में। तो लिस्ट में जो फाइनल एप्लीकेशन है उसका नाम है F-Droid। ये एक्चुअल में एक ऐप स्टोर ही है, जैसे कि आपका प्ले स्टोर है। तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशंस मिलेंगे वो सारे ऑलमोस्ट ओपन सोर्स वाले ऐप्स ही होंगे, और स्मॉल साइज में भी आपको मिलेंगे। और इसका फायदा ये है कि गूगल प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं उनका भी काफी बेहतर अल्टरनेटिव यहाँ पे आपको मिल जाता है, स्मॉल साइज में और बिना एडवर्टाइजमेंट्स की भी। और यहाँ पे आपको रेगुलर एप्लीकेशन अपडेट्स भी देखने को मिलते हैं। कोई एक इशू की वजह से अभी यहाँ पे इसका जो थंबनेल वगैरह है वो लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट फिर भी मैं अभी आपको इससे कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बाकी ऐप स्टोर की तरह ही एप्लीकेशन का साइज, स्क्रीनशॉट, डेवलपर से कॉन्टेक्ट करने की सारी इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें आपको मिल जाते हैं। अगर आप चाहो तो इस एप्लीकेशन के पेज को भी गिटहब पे विजिट कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। मतलब इस तरीके से आपको बहुत सी घातक ऐप्स इसके अंदर भी देखने को मिल जाएंगे जो कि नॉर्मली प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको ऐसी घातक ऐप्स वाली और भी वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।